मीना जी, हमने कुछ गलत नहीं किया है। हम तो सबका आशीर्वाद लेना चाहते थे। नहीं, हमारा रिश्ता मंजूर नहीं है। अगर गलत किया है ना मीना जी, हमारी माँ ने किया, आपके पापा ने किया, ऐसे एक तरह से अच्छा ही हुआ। हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा। राहुल जी, अब मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ रहूंगी? टेंशन क्यों लेती है मीना जी? मैंने जिंदगी भर आपका साथ निभाने का वादा किया है। जो भी होगा मिलके सामना करेंगे। पर राहुल जी, मीना जी, हमारे यहाँ कोई नहीं सुनने वाला, इसलिए अच्छाई इसी में कि हम शादी कर लें। क्या पता शादी के बाद लोग इस रिश्ते को अपना लें। नहीं राहुल जी, अभी अभी आप यहाँ से जाइए, मैं यही रहकर सबको मनाऊंगी। अपने आप को क्यों समझा रही है मेघना जी? आप इतनी देर से बाहर खड़ी हैं, कोई भी आया आपको अंदर ले जाने। फिर भी अगर आप यहीं रहना चाहती हैं तो ठीक है, हम भी आपके साथ यहीं रुकेंगे, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। पर एक बार फिर सोच लीजिए, हमारे साथ पहले भी गलत हो चुका है। एक साल की शर्त रखने के बाद भी हमारी माँ और आपके पापा के सुर बदल गए। हम फिर से किसी पे भरोसा नहीं कर सकते मेघना जी। यही सही टाइम है मेघना जी, हमें फैसला करना होगा कि हमारे रिश्ते का क्या होगा। हम आपको अपना फैसला सुना चुके हैं, अब आप बताइए। ठीक है राहुल जी, आप जो कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है मेघना जी, तो हम शादी कर रहे हैं। चलिए मेघना जी, भाभी मैंने आप लोगों को ये बताने के लिए फोन किया है कि मैं और राहुल जी शादी करने जा रहे हैं। मेघना प्लीज, इतनी जल्दबाजी मत करो, रुक जाओ, थोड़ा टाइम दो ना, सब ठीक हो जाएगा, हमें यकीन है। भाभी आपको अब भी लगता है कि सब ठीक हो जाएगा? आपको अच्छे से पता है कि कोई हमारी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। माना कि हमने जो किया गलत किया, पर हमारा प्यार गलत नहीं है। मैंने आपको इसीलिए फोन किया क्योंकि मुझे पता है आप समझेंगी। मैं और राहुल जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं भाभी, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। पर जब किसी को हमारा रिश्ता मंजूर ही नहीं है तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। मीना, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर नहीं भाभी, मुझे तो घर से ही निकाल दिया गया। मैं वहां खड़ी रही, आवाज लगाती रही, पर कोई नहीं आया। दीदी हमें माफ कर देना, हमारे पास अब एक यही आखिरी रास्ता था। नहीं राहुल, ये रास्ता सही नहीं है, तू अपनी दीदी की बात नहीं सुनेगा? हाँ ये सही नहीं है राहुल। हम जानते हैं, पर प्यार क्या होता है हमने तुमसे ही सीखा है, उस प्यार से लड़ते कैसे हैं ये भी तुम्हीं से सीखा है। अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई हो तो प्लीज आशीर्वाद देने आ जाना। हाँ भाभी, प्यार की ताकत को आपसे ज्यादा अच्छे से कोई नहीं जान सकता। भैया आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते, लेकिन फिर भी आप उनका साथ दे रही हैं। तो आप हमारे प्यार को क्यों नहीं समझ पा रही हैं? समझते हैं मेघना, हम सब समझते हैं, पर प्लीज तुम ऐसा। भाभी अगर आप समझती हैं ना तो प्लीज हम दोनों को आशीर्वाद देने के लिए आ जाइए। अब इसे कैसे बताएं कि पापा जी ने क्या शर्त रखी है, इसे कैसे चले जाएं? भैया ने राखी पे मुझसे वादा किया था कि वो मुझे राहुल जी से मिलवाएंगे, उस वादे के लिए आ जाइए। और मम्मी, मम्मी ने भी मुझसे वादा किया था कि वो अपनी शादी की चुनरी मुझे पहनाकर विदा करेंगी, उस वादे के लिए आ जाइए। और भाभी आपने भी तो कहा था ना कि आप मेरा और राहुल जी का साथ देंगी, तो अपनी बात का मान रखने के लिए आ जाइए। भाभी प्लीज, ये मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। पर रा मोटी अपने भाई की शादी में नहीं आएगी क्या? वैसे तो हम जिद करते, तुझे धोखा देकर हम
शायद ये हक खो चुके हैं, इसलिए सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं राहुल, हमारा छोटा भाई है और तूने वही किया जो तेरी सोच तेरी समझ के हिसाब से तुझे सही लगा। तो एक बात हमेशा याद रखना कि तेरी दीदी हमेशा तेरे साथ और हमेशा तेरा अच्छा ही चाहती। राहुल प्लीज, तुम मेघना का ख्याल रखना। कैसे ख्याल रखूं दीदी? मतलब मेघना जी चाहती हैं कि शादी में उनके घर से कोई हो, एक यही चीज तो मांगी है उन्होंने और हम वो भी पूरा नहीं कर पा रहे। राहुल पापा जी ने मना किया है। हम प्लीज मोटी ऐसा मत बोल, अगर मना किया है तो क्या हुआ, रो लेना, माफी मांग लेना, कुछ ना कुछ कर लेना प्लीज। हम दोनों चाहते हैं हमारी शादी में कोई बड़ा हो। हम पीयूष जी से बात करते हैं। हर याद खुद से अलग कर देंगे, वो अब हमारे लिए मर चुकी है। मरी नहीं है, वो जिंदा है और आज शादी कर रही है। वो खून के रिश्ते ऐसे जुनून से नहीं तोड़े जाते। मेघना आपकी बहन है और हमेशा आपकी बहन ही रहेगी। उसका फोन आया था हमें, वो रो रही थी, वो बहुत डरी हुई है पीयूष जी, उसे हमारी जरूरत है, शादी कर रही है वो और बस इतना चाहती है कि अगर हम में से कोई एक वहां मौजूद हो। हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम। जब भागी थी तब ख्याल खाली हो गए थे उसके, अरे जब तब किसी की याद नहीं है तो अब क्यों आ रही है? मैं तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये वही मेघना है जिसे हमने इन्हीं हाथों से अपने खुद। तुम्हें पता है हम हर महीने आके नीचे करके बाबूजी से डांट खाते थे, पता है क्यों? देखो, क्योंकि हम पैसे जोड़ रहे थे, हर महीने 10,000 रुपए जोड़ते थे मेघना की शादी। और तुमने ये भी बनवाए थे उसके लिए, सोचा था कि जब मेघना की शादी होगी तब उसको सरप्राइज देंगे। आप उसे अभी भी दे सकते हैं, उसे आपके आशीर्वाद की जरूरत है पीयूष जी, हम समझते क्यों हैं। प्लीज पीयूष जी चलिए ना। नहीं, अब उसे किसी की भी जरूरत नहीं है। हम जिंदगी में पहली बार बाबूजी के फैसले से सहमत हैं। अब इस घर से मेघना के सारे रिश्ते खत्म। समझ गई। और अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। हेलो। तो फिर तूने क्या सोचा मोटी, तू आएगी या नहीं?
कहें मेघना जी, इतना ज्यादा सुंदर हमने आपको कभी नहीं देखा पहले। आई एम सॉरी मेघना जी, हमें यूं चोरी छिपे शादी करनी पड़ रही है, पर हम आपसे वादा करते हैं आपकी हर एक इच्छा पूरी करेंगे। आज तो बस ये साड़ी ला पाए आपके लिए, पर एक दिन जरूर आपकी मनपसंद डिजाइनर साड़ी ला कर देंगे। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है राहुल जी, महंगे कपड़ों से ज्यादा अपनों का साथ मायने रखता है। अब किसका इंतजार करनी है मेघना जी, किसी अपने का साथ नहीं मिलने वाला, कोई नहीं आने वाला मेघना जी। मेरा दिल कहता है भैया, मम्मी, भाभी, ये लोग जरूर आएंगे। सॉरी मेघना जी, हमें नहीं लगता। बेटा, मुहूर्त निकलता जा रहा है, विवाह की विधि शुरू करनी है। कन्यादान कौन करेगा? वधु की तरफ से कोई नहीं आया क्या? आया है पंडित जी। लेकिन आप अकेले आई हैं, भैया, मम्मी। प्लीज मेघना को अंदर आने दीजिए। खबरदार जो उसे कोई लेने गया या उससे बात भी की तो, अगर ऐसा किसी ने किया तो वो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। राहुल, हमने मेघना से एक बार बात करके फोन पे गलती कर दी, हम फिर से वो गलती नहीं दोहरा सकते। पापा जी ने हमें कसम दी है कि हम मेघना से बात नहीं कर सकते, पर तुम मेघना को ये जरूर बोल दो कि हम अकेले आए हैं, पर हम हमारे साथ उसकी मम्मी का आशीर्वाद जरूर लाए हैं। का प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों पर बना रहेगा, साथ में मेघना के बड़े भाई का आशीर्वाद भी लाए हैं। लड़के वाले की तरफ से कौन आया है? हम ही हैं पंडित जी, हम इसकी बड़ी बहन हैं। विवाह संपन्न हुआ। राहुल,
मेघना, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है। आज के बाद अगर हमने इसकी आंखों में कभी भी आंसू देखे ना, तो बिल तुम पर पटेगा। हम तुम दोनों की पूरी फैमिली की तरफ से तुम दोनों को एक हैप्पी मैरिड लाइफ की दुआ देते हैं। मेघना को हमेशा खुश रखना राहुल। एक सेल्फी तो बनती है, शादी हुई है ना, याद के लिए फोटो काम आएगी। हम पोस्ट कर देते हैं। क्या हुआ मेघना जी? भाभी, अगर पापा को पता चला कि आप हमारे साथ इस शादी में शामिल हुई हैं और उन्होंने आपसे भी रिश्ता तोड़ दिया तो? नहीं राहुल जी, फोटो वोटो रहने दीजिए। किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि भाभी यहाँ आई थी। अगर पापा जी को पता भी चल गया तो तब का तब देखेंगे। हमें बहू और बेटी होने के अलावा एक बहन और भाभी भी है। हमें पूरा यकीन है कि तुम दोनों का प्यार उन सबकी नफरत मिटा देगा। और आप अपनी मिसेस से कह दीजिए कि पापा जी की टेंशन ना ले, हम उन्हें संभाल लेंगे। I love you, दीदी। बस इसका ख्याल रखना। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।